किसी भी कीमत मेहता में जिस तरीके से लगभग मुझे लगता है आधा दर्जन से ऊपर लगभग 8 से 9 लोग 10 लोगों की हत्या हुई है। सरकार पहले प्रशासन ने सरकार को बरगलाया और जिस प्रशासन ने सरकार को बरगलाया उसको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। बालू माफियाओं के खिलाफ अभियान और मुहिम चला करके पूरे बिहार में बालू माफियाओं का सफाया करना चाहिए। बालू माफियाओं को बढ़ावा ही मिला था एनडीए के बीजेपी सुशील मोदी जब खनन विभाग के मंत्री थे उस वक्त शुरुआत ही सुशील मोदी से हुई थी और अब चोर बाजे तो बाजे सूप बाजे तो बाजे छलनियों बाजे शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं। मुझे कभी कभी दुख होता है। मैंने कई बार लालू यादव जी से आग्रह किया कि लालू यादव जी जो हालात और जिन परिस्थितियों में आपको आज लाया गया आप लेनिन थे, आप स्वर्गीय जगदेव बाबू कर्पूरी ठाकुर जयप्रकाश लोहिया के एक सच्चे सेवक थे, लेकिन आज आप बीमारी से ग्रसित के साथ साथ चारों तरफ से आप घिरे। इसकी भूमिका जिन लोगों की आपकी पार्टी में थी आज भी वही लोग नहीं चाहते थे कि लालू जी और नीतीश जी को अत्यंत पिछड़े समाज के पिछड़े अन्य वर्गों की राजनीति ऊंचाई की ओर जाए। बिहार जो कभी जगजीवन बाबू के रूप में भारत के प्रधानमंत्री के रूप में हम सपना देखते थे, ललित नारायण मिश्रा जी के रूप में, कर्पूरी जी के रूप में, फिर लालू यादव के रूप में, आज वो सपना हम बिहार के 13.5 करोड़ लोग नीतीश जी के रूप में देखते हैं। एक लंबे संघर्ष, भले ही नीतीश जी का यह सपना नहीं है, उनका सपना 2024 में एक मजबूत और नफरत और डर से अलग हटके बनने वाली सरकार की है। उनकी भूमिका जेपी और लोहिया की ओर जा रही है। अपनी भूमिका उन्होंने जेपी की तरह चुना है, लेकिन आज जो सरकार है जिस तरीके से एक मंत्री जिसका नाम सुधाकर सिंह जी है जो 4 सालों तक गोडसे के गोदी में खेले, भाजपा के गोदी में वो पला। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।